Hey guys, good morning back once again to my channel. Morning के बजे हुए exactly 7 और हम जो है निकले हुए हैं यहाँ पे जो एक famous area है जिसको कहते हैं कामाटी बाग. तो हम जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है, और एक main important चीज़ जिससे सब लोग डरते हैं वो भी है यहाँ पे. तो बने रहिए, देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा यहाँ का एक्सपीरियंस. सयाजी गार्डन, जिसको यहाँ पे कामाठी गार्डन भी कहा जाता है, ये एक हिस्टोरिक गार्डन है जो यहाँ के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 1879 में बनाया था. तो आप ही बताइए कि कितने साल हुए टोटल मिला के, 144 या 244. खैर, यहाँ का जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 11 बजे तक. ऐसा वाला पार्क है भाई साहब बड़ौदा में. तो पीछे हम जहाँ पे देख रहे हैं यही है वो जगह जहाँ के लिए मैं आपको बात कर रहा था. ये गार्डन वडोदरा के सेंटर में पड़ता है. यहाँ पे इतना सब कुछ है कि विजिटर पूरा दिन बिता सकता है इस गार्डन में, जैसे यहाँ का प्लेनेटोरियम, म्यूजियम, अम्यूजमेंट पार्क और भी बहुत कुछ. खुद ही सुन लीजिए. देखा है कभी अपने ऐसा गार्डन? नहीं नहीं, इतना बड़ा गार्डन कहाँ काका. इसके लिए तो ऐसा वीडियो निकाल रहा हूँ ताकि और भी लोगों को दिखा सकूँ कि बड़ौदा को देखो भाई साहब. यू विल नॉट बिलीव, बड़ौदा की बस्ती पॉपुलेशन जब 2 या 3 लाख थी, हाँ, तब ये 150 acres का गार्डन यहाँ के राजा ने बनाया था. अच्छा, फोरकास्टिंग जो पॉपुलेशन, हाँ, बाकी 3 लाख की पॉपुलेशन में कितना गार्डन चाहिए, ना कितना एरिया ये 150 acres. बिकॉज ऑफ दिस गार्डन टेम्परेचर ऑफ बड़ौदा इज रिड्यूसिंग बाई 3 to 4 degrees. अच्छा, इतना फर्क पड़ रहा है ये. ऐसा 90 गार्डन है. वी लव बड़ौदा, वी लव दिस गार्डन. क्या बात, बड़ौदा में आए हैं और हमने यहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं देखा. ये ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि बड़ौदा को जो है क्रोकोडाइल सिटी भी मानी जाती है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओहो, एक नहीं दो दो साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं. कोई मूवमेंट नहीं है. इस गार्डन में जू भी है. जी हाँ, जू और बर्ड सेंचुरी भी, और साथ ही यहाँ पे एक मिनी टॉय ट्रेन भी है जिसमें आपने वो गाना सुना रहेगा, चक्के पे चक्का. अभी तक पार्क खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है. मतलब इतना बड़ा पार्क, पिछले 10 मिनट से हम सिर्फ चल ही रहे हैं. तो यहाँ पे जो है ये इसका टिकट विंडो है. अगर आप हाफ जू देखते हैं तो इसका 30 रुपीज चार्जेस है, और अगर आप पूरा देखते हैं तो इट्स 80 रुपीज. जिसके अंदर जो है एवरी करके वॉक है यहाँ पे. तो बर्ड सेंचुरी यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं. तो फिलहाल हम पहुँचे हैं यहाँ पे जू में, जहाँ पे बड़ौदा के बहुत सारे यहाँ पे जानवर आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम अभी पूरी तरह से इसको एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या जानवर हैं और कहाँ से आए हैं ये. ओ, ये तो तोता लग रहा है मेरे को. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. काफी बड़ा तोता है ये, आप उसकी हाइट देखिए. ओ, कितना बड़ा तोता है भाई साहब. अरे इतना झगड़ा मत करो यार, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं. बहुत ही बड़ी. ये वाला चीज देखिए कि ये क्या है, सिल्वर पीजेंट. मेरे को लग रहा है कि एक ये मोर का प्रकार है शायद. ये भी जो है अपना पंख खोलता है और कितना प्यारा दिख रहा है यार. कलर्स क्या है यार, एकदम वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, पिंक, गोल्डन. बर्ड सेंचुरी में आके यहाँ का जो फील है बहुत ही मस्त निराला है. ऐसे लग रहा है ये जो पक्षी हैं वो हमको बुला रहे हैं, हमको बोल रहे हैं चलो आओ हमारे साथ में यहाँ पे उड़ने के लिए. एक चीज यहाँ पे देखी कि यहाँ के बंदर जो हैं बहुत ही शांत हैं. कुछ भी खाओ इनके सामने, कुछ भी लेके जाओ, कुछ नहीं करते. ये यहाँ के पेड़ देखिए आप कैसे हैं. ये भी 2 पेड़ हैं, मतलब एक साथ में ये 2 पेड़ जुड़े हुए हैं. वहां पे भी आप देख सकते हैं वो भी 2 पेड़ जुड़े हुए हैं, उधर भी 2 पेड़ जुड़े हुए हैं. कौन से पेड़ है पता नहीं, शायद मेरे को लग रहा है ताड़गोला है. अलग ही चीज है यार, वही दोनों जुड़े हुए हैं पेड़.
बाग के अंदर ट्रेन। अंदर लायन है ना, कुछ करेगा तो नहीं ना। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इनको। ये देखिए हमारे बाजू में कौन है, ये देखो इतना सामने इतना नजदीक। ये देखिए यहाँ पे क्या मस्त आराम से बैठा हुआ है। स्क्रीन पे भले छोटा लगता होगा, वरना है ये 12 फुट का लायन। ये फीमेल लायन, वो मेल। ये फीमेल है ना, मर गया 2-3 महीने पहले। लायन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कौन बुला रहा है, कौन ये कर रहा है। ए लायन में थोड़ा पोज दो ना, अपने को नहीं है। भाई साहब बहुत शायद भूख लगी है उसको, या उसके गले में कुछ अटका पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे आए और जो टाइगर है वो वहाँ पे सो गया, तो अभी इसके आगे भी शायद और भी एक दो टाइगर्स हैं। देखते हैं कि कौन सा बेस्ट वाला टाइगर है यहाँ पे। वो तो सो गया है, बंगाल टाइगर। और ये वाघ कुछ गुजराती में लिखा हुआ है, तो क्या है भाई साहब ये बंगाल टाइगर, कितना बड़ा टाइगर है और वो भी इतना मेरे नज़दीक। जब मैंने वहाँ पे बोर्ड पे इनके बारे में कुछ चीज पढ़ी तो मैं बहुत दंग रह गया। इनकी लाइफ जो है सिर्फ 17 से 18 साल होती है, अगर ये जंगल में होते हैं तो 20 साल। तो अजीब है ना? खाने का कैसे है वैसे? ये सामने पिंजरा है जहाँ पे, तो अंदर जाके आदमी खाना डालता है। हाँ, खाना रखेगा थाली के अंदर आराम से, उसको खाना रखेगा। कितना किलो? 14 किलो देते हैं, 14 किलो में 10 किलो जैसा खाता है। अच्छा 10 किलो खाता है। अच्छा इधर अगर कोई गिरा तो खा जाएगा? ये खतरनाक चीज है, क्योंकि बहुत गहरा है। अच्छा ना सामने वाला जा पाएगा ना हम लोग जा पाएंगे उधर। तो ये इतना डीप है, ये कम से कम 10-15 फुट का मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन लेके किया हुआ है। सर इसका पूरा कितना जंप कर सकता है? खैरियत ना, एक बात कहूँ क्या, प्लीज एक पोज दोगे क्या? काफी दूर से आए हैं यार, एक बार जरा दिखा दो ना यार, तुम्हारा चेहरा तो दिखाओ अच्छी तरह से। हाँ सो जाओ आराम से, सॉरी। 10 बजे हुए हैं और ये टाइम पे थोड़ा उनका रिलैक्सिंग का टाइम होता है। अलग वाला एक्सपीरियंस था यहाँ पे मेरा, इतना नज़दीक से पास से देखने का। तो जहाँ पे हमने एक टाइगर देखा, बंगाल टाइगर देखा, टाइग्रेस है धरती करके उसका नाम है यहाँ पे, और एक लायन देखा, फीमेल लायन देखा वहाँ पे, और एक जो है लेपर्ड देखा। तो टोटल मिला के 4 देखा। हिप्पो को देखा हमने वहाँ पर, पानी के अंदर था तो ज़्यादा हम देख नहीं पाए। मस्त वाला एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पे। और आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बड़ौदा में आओगे तो ये वाले जू पे आना मत भूलिएगा। चलिए।